हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और हम सब बहुत अच्छे हैं। हैप्पी धनतेरस माय ऑल फ्रेंड्स, और आई होप कि माता रानी की कृपा से सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, खुशियों से भरी हो दिवाली, छोटी दिवाली। ये 3-4 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं त्यौहार के, मतलब एक दिन नहीं होते, कई दिन से हम इस दिन की मतलब तैयारी करते हैं। तो मैंने ना आज किया है हेयर वॉश, क्योंकि मार्केट वर्केट जाना था ना, तो बहुत हेयर जो है गंदे हो जाते हैं। यहाँ देखिए, सुबह से क्लीनिंग करके देखिए हालत का मेरी, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, मतलब जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे जिस घर में हों तो वहाँ क्या होगा, ये काम नहीं सुनते। मैं उनका काम नहीं करूँगा, मैं दी का नहीं करूँगा ये करते। तो चलिए बनाते सबसे पहले फटाफट खाना, क्योंकि इनको आज जाना है जल्दी, अपना काम करते हम जल्दी निपटा लें, फिर उसके बाद जाना धनतेरस है, तो कुछ तो लेना है। एंड आज क्या स्पेशल लूँगी मैं, वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और आज मैंने पहनी है ये वाली कुर्ती, मतलब ये मेरी सिस्टर ने मुझे एनिवर्सरी पे आई थिंक गिफ्ट दी थी। चलिए खाना बनाते हैं, क्या बनाऊँगी, क्योंकि पूरी बनेगी, शो सुनाई दे रहा होगा ना, एजाज चालू रहता है। तो नहा वाकर आ गई, उसके बाद जो है हेयर मेरे काफ़ी गीले हो जाते हैं ना, तो ये हुआ कि चलो पहले हल्का सा क्लैश कर लेती हूँ और फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ खाना। तो आज कुछ स्पेशल क्या, मतलब पूड़ी बनेगी, अभी तो 3-4 दिन तक 5 दिन तक, तो ये हुआ कि चलो इन लोगों के लिए, तीनों के लिए पूड़ी बना देती हूँ। और आलू की और मटर की सब्ज़ी सिंपल सी बनाऊंगी, बट फिर मैंने चलो उसको अच्छे से चॉपिंग वगैरह प्याज को करके जो है मैंने बनाया था। और आलू को ना सबसे पहले कट कर रही हूँ मैं, और जो भी स्पेशल कुछ बनेगा तो दिवाली के दिन है, अभी नॉर्मल सब्जी और पूड़ी तो बननी है, तवा तो चढ़ना नहीं है। तो मैंने यहाँ ना आलू और टमाटर को हल्का सा फ्राई कर लिया था पहले कढ़ाई में, और इसको फ्राई करने के बाद इस तरह से जो है निकाल लिया था। प्याज, हरी मिर्च इसमें और लहसुन वगैरह जो है ना मैंने अच्छे से चॉपिंग कर ली थी। इस ये जब फ्राई हो गया उसके बाद, तब तक ना मैंने ये धनिया जो है कट कर लिया। ठंडी में ना इस तरह से धनिया आती ज़्यादा, तो मैं कट करके रख लेती हूँ, बट वॉश करके नहीं रख सकते क्योंकि ख़राब हो जाती। प्याज होने के बाद मैंने टमाटर नहीं ऐड किया, ऐसे ही बस मैंने बेसिक मसाले नॉर्मल ऐड किया, थोड़ा सा पानी। मसाले को अच्छे से होने के बाद ही जो है ना सब्ज़ी ऐड करें, और ना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनेगी, बहुत टेस्टी थी सच में। तो और इसमें नमक ऐड कर दिया था, बस लो फ्लेम में इसको थोड़ी देर पकाया। जब ये पक गई ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। आटे में ना थोड़ा सा मैंने अजवाइन वाली पूड़ी ना सबको बहुत पसंद होती है, खासकर फेस्टिवल है या हम कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रेन में अगर कुछ खाना हो तो खासकर ये वाली पूड़ी जो होती है ना मसाले वाली, इसमें बेसिक मसाले भी ऐड होते हैं, नमक, तो बहुत टेस्टी लगती है ये वाली। तो टिश्यू रोल जो है ना उसको कट कर ले रही हूँ ताकि ये पूड़ी जो है ना अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए ऑयल उसका। तो नमकीन पूड़ी मेरे ख्याल से आप लोग के भी सब क्या बनती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। अच्छा मैं नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती, पहले पसंद भी थी बट अब नहीं खाती हूँ मैं, बहुत एसिडिटी प्रॉब्लम होती है पूड़ी वूड़ी से, और अब तो मैंने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट जो है पूड़ी भी बनाती जा रही हूँ, थोड़े बहुत बर्तन लगाती हूँ बीच बीच में, फिर काम करने लगती हूँ, बस इस तरह से काम हो रहा है। त्यौहार में आप जितना काम करो, पूरा दिन लगे रहो, काम नहीं ख़त्म होगा। मतलब मुझे लगता है सबके साथ होता है कि त्यौहार में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और आज तो मेरा मतलब मेरे साथ ऐसा हादसा होते होते बचा कि मैं क्या कहूँ। और ये ना आज का लंच रेडी हो गया, सब्जी देख रहे हैं बहुत टेस्टी थी और पूड़ी, तो इनको मैंने दिया, इनके साथ आयान तो खाते ही है, नहीं तो वो खाता नहीं है। फिर सिया ने भी इनके साथ खाया, सब ने, तीनों ने मिल के खाया। यहाँ मैं किचन वगैरह क्लीन कर रही थी, फिर इन्होंने कहा था कि चलो आज वाला सा काम निपटा लेते हैं अभी दोपहर में, तो मैंने कहा चलो फटाफट मैं क्लीन वगैरह करती, ये कढ़ाई मैं खुद वॉश कर लेती हूँ, कुछ बर्तन ऐसे हैं मैं वॉश कर लेती हूँ। मतलब ऐसा होता ना कि वो धुलने आती है, बट ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बर्तन बहुत सारे दे दो। और तो फिर ये हुआ कि चलो दोपहर में जाना, फिर इनको काम आ गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं अब तब तक अपना मंदिर साफ कर लेती हूँ और तुम अपना काम निपटा लो, हम लोग शाम को चले जाएँगे। तो मुझे मंदिर ना आज पूरा जो है क्लीन भी करना था, भगवान जी के कपड़े वगैरह।
तो यहाँ देखिए मैंने पहन ली थी चूड़ी, और क्योंकि उस समय सुबह पहनती ना तो उसमें आटा लग जाता है, इस तरह से मैंने चूड़ी वूड़ी पहन लिया था। अच्छा सिंदूर लगाते ना, हाथ से लगाओ तो सिंदूर सही से नहीं लगता है, तो बहुत अच्छा ट्रिक है। मतलब मेकअप ब्रश आपके पास होता है ना पतला वाला, जैसे ख़राब हो अगर जो आप यूज़ नहीं करते हो, तो इस तरह से आप ना उससे सिंदूर लगाइए। सच बता रही हूँ, जैसे मांग भी अगर आपने भरा नहीं सही से मतलब भर पाते तो बहुत ही अच्छे से जो है सिंदूर लगता है। तो मैं तो सुबह ही रेडी हो गई थी। रेडी क्या, नॉर्मल मैंने लोशन वगैरह लगाया था, वैसा कोई मेकअप नहीं, लिप बाम वगैरह लगाया था, क्योंकि घर में कौन मेकअप कर रहे हैं इतना। और चूड़ियाँ वगैरह पहन लिया था मैंने, क्योंकि आटा मारना, तो मैंने ना कंगन हटा दिया। तो मैं ना मथुरा से जो चीज़ लेकर आई हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले कान्हा जी के कपड़ों से स्टार्ट, ये छोटे कान्हा जी के कपड़े हैं, ये जो हैं ये वाले बहुत सुंदर से कपड़े हैं, ये वाले दो कपड़े हैं छोटे वाले कान्हा जी के लिए, सेम लाइन में ये थोड़े से अलग मिले मुझे। एंड अयान और मेरी लड़ाई होने के बाद अयान बहुत रो रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। ये रेड वाले कपड़े हैं, और ये कुछ मैं सेट लाई थी जिसमें ना हार है, मुरली है, और ना इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें, दो तरह की मुरली कुछ दी हुई है, इयररिंग्स दिए हुए हैं, तो एक बड़े कान्हा जी और एक छोटे कान्हा जी। तो कान्हा जो बड़े कान्हा जी के लिए ना वो सिर्फ हार मिल रहा था, सेट नहीं मिलता है। और एक ये कपड़े, मतलब ना मैं दो दो चार चार जोड़ी है इस तरह से कपड़े लाई हुए हैं, बहुत सुंदर। ये ग्रीन वाला कैसा लगा बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब ना इतनी एक तो भीड़ थी वहाँ पे, मैं तो मैं ना जैसे जैसे मतलब ले आई हूँ, और बड़े कान्हा जी के लिए इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था। और मैं ना ये लॉन्ग स्कर्ट लाई थी अपने लिए, एक सिस्टर के लिए, आपने बर्थडे वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको, या हो सकता है इससे पहले आ गया हो। और ये लिया था चूड़ी, तो ये गोल्डन और सिल्वर में ना चार चार सेट लिया, दो सिस्टर को दिया गोल्डन, दो सिल्वर मैंने लिया, मतलब वो एक साथ सेट नहीं मिल रहा था चार का, तो इसीलिए दो दो मैंने जो है ना कन्वर्ट कर दिया, उसको दे दिया दो दो में। ये हैंडबैग सिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और मुझे लगता है मतलब बच्चे लायक है वो तो ठीक है, बट एक ही चैन स्पेस एक ही है, और ये 350 का ऐसे ही पड़ा था, तो बच्चों लायक है सिया को पसंद आया था, तो उसके लायक का ये बिल्कुल अच्छा है। तो ये शॉपिंग जो है मैंने मथुरा से ही किया था। और ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाली चूड़ी सी अकेले लाई थी, इयररिंग्स आपने मेरी ड्रेस में देखा होगा, साड़ी में पर्पल वाली, वो मैं वहीं से लिया था मैंने। तो यहाँ आई हूँ मैं मंदिर साफ़ करने के लिए, तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, और माता रानी के कपड़े चेंज करूँगी। माता रानी के कपड़े बहुत बड़े हैं, तो ये दूसरे लाने, दो तीन में सेम ले आई थी, बड़ा बहुत बड़ा साइज है। कान्हा जी को भी तैयार करके बैठा दूंगी, यहाँ फूल जो है वो सब क्लीन करूँगी। और ये देखिए यहाँ के लिए मैंने वॉच लाया था, बहुत सुंदर लग रही है वॉच, ये देखिए। तो ये वॉच जो है अभी कल ही लगी है, ये देखिए ये छिपकली, मैं बता रही हूँ ना, ओ माय गॉड, मतलब आज इस छिपकली ने मेरा पूरा दिन ख़राब किया, पूरी दोपहर डर डर के मैंने किस तरह से मंदिर साफ़ किया है वो मैं ही जानती हूँ। मेरे हाथ पैर इतने कप रहे थे डर के मारे कि मैं क्या कहूँ, यहाँ माता रानी कपड़े लाने, इसीलिए अभी मैंने जो है उनको अभी पहनाया नहीं था कि शाम को लेकर आऊँगी। और इस तरह से कुछ ना डेकोरेट करने की कोशिश किया है, मैं कुछ और सोच रही थी, बट मुझे कुछ मतलब कुछ चीज़ें मेरे अंदर रखी, बट मैं देखूँगी कुछ अलग डेकोरेट आपको शाम तक मिलेगा। और ये देखिए मेरे कान्हा जी जो है रेडी हो गए हैं अच्छे से, साईं राम को भी मैंने कपड़े पहना दिया है, तो इनके भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं मेरे पास। बाकी जो कपड़े निकले थे वो सारे वॉश करके जो है मैं फ्री हुई हूँ। तो यहाँ मार्केट में देख रहे हैं, इतनी मेरे घर के जस्ट पास में मार्केट, और इतनी मतलब ऐसा लग रहा था जो कानपुर की पेड़ रोड मार्केट होती ना वो है, तो इतनी ज़्यादा, ये तो कम दिखा रही हूँ मैं भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है ये समझ लीजिए। और यहाँ पे पूजा जो है मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, कर आई हूँ मैं, एक तो ये फर्श में लगाने के लिए, और एक ये माता रानी के मंदिर के लिए, ये ना इस टाइप की है, ये प्लास्टिक की है ये वाली, तो मंदिर में लगा सकते हैं, इसको वॉश भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी ये वाली। तो अभी झाड़ू, दोनों झाड़ू की मैं पूजा कर चुकी हूँ, वहाँ दिवलिया थोड़ी सी आज जलनी है, तो दिवलिया पानी में मैंने कर दिया, ताकि अभी जलाऊंगी, बाकी की बाद में। तो ये देखिए इसमें ना इस तरह से लाइट चाहिए।
तो देखिए मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मतलब ना एक बार में मुझे ये इतना पसंद आया, और ये 400 का लमसम मुझे ऐसे ही पड़ा है, बिल्कुल करेक्ट मतलब प्राइस बता रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा था मंदिर। और ये देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ ज्वेलर्स के पास से, तो ये गिफ्ट मिला है छोटा सा थर्मस, मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि मेरे पास इससे बड़ा थर्मस है, बट ठीक है जैसा भी हो गिफ्ट गिफ्ट होता है। और ये देखिए कान्हा जी के इयररिंग्स लाए हैं हम लोग, बड़े कान्हा जी के, और बहुत सुंदर लग रहे थे। एक छोटे कान्हा जी के लिए लेना था बट ना वो साइज़ जिस तरह का चाहिए था नहीं मिला, तो ये बाकी चलो नेक्स्ट टाइम कल मतलब अगर एक दो दिन में आ जाएगा तो ले लेंगे। और दो मुरली लेकर आए हैं चांदी की, और काफ़ी बिग साइज़ की, बहुत सुंदर है देखिए, काफ़ी बड़े साइज़ की भी है ताकि कपड़ों उपड़ों में यहाँ वहाँ नहीं होगी, तो ये लाए हैं। प्लस एक चीज़ और लाए हैं, चलिए आपको अभी दिखा दूंगी। और ये ना कान्हा जी मेरे रेडी हो गए, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये लेकर आए हैं मेरे लिए रिंग, यस बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है एंड बहुत ही यूनिक है, मतलब इससे पहले तो एक पसंद आई थी बट वो ना उनके बिक गई थी, वो मतलब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए ये माता रानी को जो है पहना दिया था मैंने कि वो पहने, तो इन्होंने कहा कि चलो हम पहना भी दे रहे हैं रिंग, तो इसीलिए इन्होंने वहीं पे मुझे पहना भी दिया था भगवान माता रानी को चढ़ाने के बाद मैंने ले लिया, और ये पहना दी थी। बहुत सुंदर डिज़ाइन है बताइएगा, बहुत डिफरेंट कुछ अलग डिज़ाइन चाहिए थी मुझे, तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। आज का व्लॉग आई होप कि छोटा सा आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग बताइएगा धनतेरस में सबने क्या लिया। वैसे तो अपने ऊपर है, मतलब हम जैसी हमारे स्थिति हम वो चीज़ ले सकते हैं, आप एक सोने की ले सकते हैं अगर जैसा आपका बजट हो, एक चम्मच भी स्टील की ले लेंगे ना तो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आज के व्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैप्पी धनतेरस माई ऑल फ्रेंड्स।